हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक नए मेडिसिन की। और हमेशा की तरह मैं आपका दोस्त सचिन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिनिएटर कैप्सूल की, और इसके अलावा लिनिएटर कैप्सूल का क्या काम होता है और ये किस यूज़ में आता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे हम ये कितने की आपको मार्केट में देखने को मिलती है। तो दोस्तों लिनिएटर कैप्सूल की बात करें तो इसका यूज़ होता है मेनली मेल्स के लिए। मेल्स में जो स्पर्म काउंट है उसको इंक्रीज़ करने में ये हेल्प करता है। तो स्पर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे जितने भी मेल्स होते हैं। तो मेल्स में इस पर दोस्तों मेनली जो होते हैं पुरुषों में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि उनका जो स्पर्म काउंट कम होता है, जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा करने में असहयोगी होते हैं, मतलब कि उनको बच्चा पैदा करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों लिनिएटर कैप्सूल लेने से आपका जो स्पर्म काउंट है वो इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा स्पर्म ये जो है स्पर्म बनाता है, इसमें Q10 नाम की मेडिसिन देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी और बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनका जो स्पर्म काउंट है वो काफ़ी लो रहता है। तो इसको लेने से कई सारे बेनिफिट्स हैं होते। तो जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और ऐसी ही मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर हम लोग लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।